नमस्कार और एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस कंप्यूटर जी के प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आज हमारा जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने जान लिया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, कैसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई इस लेक्चर रिगार्डिंग डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिए, हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके डाउट्स को सॉल्व करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। आप प्लीज़ अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट लिख दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर, अब हम अपना आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें कंटेंट देख लेते हैं आज के लेक्चर में, हम क्या पढ़ेंगे आज, हमें क्या पढ़ना है, क्या है, रिकैप होगा प्रीवियस लेक्चर का। ठीक है, फिर यूज़र इंटरफेस देखेंगे हम एक्सेल का, फिर देखेंगे कि स्प्रेडशीट क्या होती है, व्हाट इज़ स्प्रेडशीट। ओके, फिर हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ स्प्रेडशीट, देन व्हाट इज़ वर्कशीट एंड वर्कबुक, फिर पढ़ना है हमें व्हाट इज़ रोज एंड कॉलम, व्हाट आर रोज एंड कॉलम्स। ओके, फिर पढ़ेंगे व्हाट इज़ सेल एंड सेल एड्रेस, सेल क्या चीज़ होती है और सेल एड्रेस क्या चीज़ होती है, फिर व्हाट इज़ एक्टिव सेल एंड व्हाट इज़ फार्मूला बार। अभी तो आप कंटेंट देख रहे हैं, आप यहीं पर सोच लें कि मैम हमारे पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए, पूरा लेक्चर देखिए आप आराम से, मतलब स्किप मत कीजिएगा, अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। आप प्रॉपरली पूरा लेक्चर जो है इत्मीनान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं या कंटेंट कैसा है। ठीक है, ये आपका पूरा कंटेंट था जो अभी आपको इस लेक्चर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हमारा रिकैप देख लेते हैं प्रीवियस लेक्चर का। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या जाना था कि एक्सेल क्या होता है। एक्सेल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। एक्सेल ऑर्गेनाइज डेटा इन कॉलम्स एंड रोज एंड अलाउज यू टू डू मैथमेटिकल फंक्शन। ठीक है, ये एक्सेल का वर्क है। एक्सेल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, एमएस एक्सेल जिसे कहते हैं। और क्या है, एक्सेल का काम देख लेते हैं। एक्सेल जो है डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, किस में, कॉलम्स एंड रोज में, और हमें ये भी अलाउ करता है कि हम मैथमेटिकल फंक्शंस भी कर सकें, डेटा क्रिएट कर सकें। ठीक है, डेटा बना सकें। ओके, अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि डेफिनेशन क्या है एक्सेल की, व्हाट इज़ एक्सेल। वैसे ये कहीं पूछा नहीं जाता है, पर हमें समझने के लिए हमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए, इसलिए हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं ताकि आपको समझ में आता रहे। तो अब देखते हैं व्हाट इज़ एक्सेल। एक्सेल क्या है, अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट दैट यूजेस स्प्रेडशीट टू ऑर्गेनाइज नंबर्स एंड डेटा विथ फार्मूलाज एंड फंक्शन। ठीक है, अब इसमें आपकी डेफिनेशन क्या कह रही है, कह रही है कि जो है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, जो स्प्रेडशीट को यूज़ करके नंबर्स और डेटा को ऑर्गेनाइज करता है फंक्शन एंड फार्मूला के थ्रू। इसके बाद हमने पढ़ा था वर्जन्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, कितने वर्जन्स आए, कितने लॉन्च किए गए हैं, अभी तक काफ़ी वर्जन्स लॉन्च कर दिए गए हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ये होना चाहिए सबसे पहला वर्जन कौन सा लॉन्च हुआ था और कब लॉन्च हुआ था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट मार्केटेड अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम कॉल्ड मल्टीप्लान इन 1982। ठीक है, फर्दर माइक्रोसॉफ्ट रिलीज्ड द फर्स्ट वर्जन 2.05 ऑफ द एक्सेल फॉर मैकिंटोश ऑन नवंबर 1987। आप इतना समझिए कि सबसे पहले जो वर्जन लॉन्च हुआ था माइक्रोसॉफ्ट का, वो नवंबर 1987 में लॉन्च हुआ था। इसके बाद अभी तक कई वर्जन लॉन्च हो चुके हैं और हम जिस वर्जन का स्टडी कर रहे हैं वो 365 वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, ये एकदम लेटेस्ट वर्जन है। एकदम लेटेस्ट वर्जन में काम करने का क्या परिणाम आता है, आप ये समझिए कि अगर आप लेटेस्ट वर्जन में काम कर रहे हैं तो आपके पुराने सारे वर्जन में आप वर्क कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पुराना वर्जन पढ़ा है या पुराना वर्जन सीखा है तो जो नए वर्जन्स आ रहे हैं उसके फंक्शंस कुछ डिफरेंट हो जाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जिससे हमें अपने वर्क एफिशिएंसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इसीलिए हम एकदम नया वर्जन पढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। अब हम देखेंगे यूज़र इंटरफेस, किसका, एम एस एक्सेल का, कि उसका यूज़र इंटरफेस कैसा दिखता है। आइए देखते हैं। तो अभी आपको स्क्रीन पर जो है यूज़र इंटरफेस दिख रहा है एक्सेल का, आपको एक जगह दिख रहा होगा रो नंबर, वर्कशीट टैब, कॉलम नंबर, नेम बॉक्स, क्विक एक्सेस, टूल बार, फार्मूला बार, रिबन। आप पहले ये समझिए, आप देखिए, पहले आप यूज़र इंटरफेस को देखिए, इसके आगे आगे जो भी चीज़ें आएंगी यूज़र इंटरफेस के अंदर मैं उसको समझाते जाऊँगी, बताते जाऊँगी कि क्या है। ठीक है,
आगे चले प्रॉपरली, ये यूजर इंटरफेस है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है. वॉट इज स्प्रेडशीट, पहला सवाल ना एकदम कल ही स्प्रेडशीट वर्ड आया था तो दिमाग में ये आ गया होगा ना कि मैम स्प्रेडशीट क्या है. तो अब हम समझते हैं स्प्रेडशीट वाकई में क्या है. अ स्प्रेडशीट इज अ टूल दैट इज यूज टू स्टोर, ठीक है, कुछ पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया कीजिए. जैसे अ स्प्रेडशीट इज अ टूल दैट इज यूज टू स्टोर, मैन्यूपुलेट एंड एनालाइज डेटा. स्प्रेडशीट वो टूल है जो डेटा को स्टोर, मैन्यूपुलेट यानी उसको चेंज करना भी समझ सकते हैं. यहाँ पे मैन्यूपुलेट का मतलब है कि आपने एक डेटा एंटर किया, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली. और एनालाइज का मतलब आप उसको प्रॉपर एनालाइज कर रहे हैं कि क्या क्या डेटा है, कैसे चीज़ें हैं या वर्क कर रही हैं, आप समझ लीजिए कंपैरिजन टाइप का, दैट इज एनालाइजेशन इन एक्सेल. ओके, डाटा इन स्प्रेडशीट इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ सीरीज ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डेटा इन स्प्रेडशीट इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ सीरीज ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है. अब हम देखेंगे कि रोज एंड कॉलम्स क्या होता है, आगे देखेंगे. ये रहा आपका स्प्रेडशीट की डेफिनेशन, एक बार फिर से मैं समझाती हूँ आपको, वापस से ध्यान से समझिएगा कि अ स्प्रेडशीट इज अ टूल दैट इज यूज टू स्टोर, मैन्यूपुलेट एंड एनालाइज डेटा, ठीक है. डेटा को मैन्यूपुलेट, एनालाइज और स्टोर करने के लिए स्प्रेडशीट जो है एक टूल है, ये यूज किया जाता है, ठीक है. डेटा इन अ स्प्रेडशीट इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ सीरीज ऑफ रोज एंड कॉलम्स. जो डेटा है स्प्रेडशीट के अंदर वो कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, रोज एंड कॉलम्स में, ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारा. अब है यूजेस ऑफ स्प्रेडशीट, ठीक है, हमने जान लिया स्प्रेडशीट क्या होती है. अब दिमाग में ये भी आएगा ना कि इनको यूज़ कहाँ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं कि यूज़ कैसे होगा. तो अब देख लेते हैं इसमें हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. पहले क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग चेकलिस्ट, चेकलिस्ट को क्रिएट और मेंटेन करने के लिए स्प्रेडशीट यूज़ होता है. सिंपल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ हो जाता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा को विजुअल यानी डिस्प्ले करने के लिए भी यूज़ होता है. फिर स्टोरिंग एंड शेयरिंग डेटा, स्प्रेडशीट जो है स्टोर, डेटा को स्टोर करने में और डेटा को शेयर करने में भी यूज़ होता है, ठीक है. आगे देखते हैं, चलिए आगे के डेफिनेशन में देखते हैं कि क्या है. अभी अब जानेंगे कि वर्कशीट क्या होती है और वर्कबुक क्या होता है, ठीक है. यहाँ पर हम जानेंगे व्हाट इज़ वर्कशीट एंड व्हाट इज वर्कबुक. पहले हम जान लें वर्कशीट क्या होती है. अ वर्कशीट आल्सो नोन एज स्प्रेडशीट, वर्कशीट को स्प्रेडशीट ही कहते हैं, ठीक है, स्प्रेडशीट को भी वर्कशीट ही कहेंगे. यानी सिंपली अगर समझें कि वर्कशीट और स्प्रेडशीट सेम ही होती है, ठीक है. कंसिस्ट ऑफ सेल इन विच यू कैन एंटर एंड कैलकुलेट डेटा. स्प्रेडशीट जो है कंसिस्ट करती है क्या, सेल को, जिसमें आप डेटा को एंटर कर सकते हो और कैलकुलेट कर सकते हो वर्कशीट में, ठीक है. वर्कशीट एंड स्प्रेडशीट यहाँ पे सेम ही है, कंफ्यूज मत होइएगा कि नहीं वर्कशीट नया टर्म आ गया है, वर्कशीट अलग है और आपका जो है स्प्रेडशीट अलग है, नहीं दोनों सेम है, ठीक है. फिर आगे देखते हैं, द सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू कॉलम्स एंड रोज. एक बार फिर से कॉलम्स एंड रोज आ गया है, अभी आगे देखते हैं रोज एंड कॉलम्स क्या है, ठीक है. ये रही आपकी वर्कशीट की डेफिनेशन, अब आते हैं वर्कबुक की डेफिनेशन पे, ठीक है. वर्कबुक क्या होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है. वर्कबुक इज अ सिंपली कलेक्शन ऑफ मैनी वर्कशीट. इस लाइन पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वर्कबुक इज अ सिंपली कलेक्शन ऑफ मैनी वर्कशीट. चलिए ठीक है, आप समझे क्या क्या है वर्कबुक. कलेक्शन मतलब समझ रहे हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा अगर जो है आपकी वर्कशीट मिल जाए तो वो वर्कबुक बन जाएगा, ठीक है. मतलब यहाँ पर आपको ढेर सारी वर्कशीट में ढेर सारी वर्कशीट मिलती हैं तो वर्कबुक बनता है. दैट्स इट, सिंपली ये समझो. एक एक लाइन में अगर समझाएं तो ये समझिए कि जो है जो वर्कबुक होता है वो कलेक्शन होता है बहुत सारे वर्कशीट का, ठीक है. आगे देखते हैं अब हम लोग, चलिए देखते हैं आगे क्या है. आ गया अब व्हाट इज रोज एंड कॉलम्स, चलिए समझते हैं इसको भी. रोज आर अ सीरीज ऑफ सेल्स, ध्यान से देखिएगा,
क्या है, सीरीज ऑफ सेल्स दैट आर हॉरिजेंटली अरेंज्ड टू सेट इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर. रोज क्या होते हैं, सीरीज ऑफ सेल हैं जो हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली मतलब आप समझ लें, किसी किसी को कन्फ्यूजन होती है कि हॉरिजेंटल क्या होता है और वर्टिकल का क्या होता है. हॉरिजेंटल मतलब ऐसे, ये वाली लाइन को हॉरिजेंटल कहते हैं, ये वाली लाइन को, स्टैंड अप लाइन को वर्टिकल कहते हैं, और ये जो लेटी हुई लाइन होती है उसको हॉरिजेंटल कहते हैं. ठीक है, तो रो क्या है, रोज आर सीरीज ऑफ सेल्स दैट आर हॉरिजेंटली अरेंज्ड टू सेट इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर. ठीक है, हॉरिजेंटली अरेंज्ड होते हैं, यानी हॉरिजेंटल लाइन जो है वो आपकी सेल होती है. और फिर अब समझते हैं कॉलम क्या होता है. कॉलम्स आर वर्टिकली अरेंज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स दैट रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम. यानी वर्टिकली अरेंज्ड, टॉप टू बॉटम आपका कॉलम चलता है. मतलब हॉरिजेंटली लाइन से आपकी रो फॉर्म्ड होती है और वर्टिकल लाइन से आपका जो है कॉलम फॉर्म होता है. चलिए देखते हैं, इंटरफेस को देखते हैं फिर बताते हैं. ठीक है, ये रहा आपका इंटरफेस और मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि रो क्या है, कॉलम क्या है. ये जो आपकी हॉरिजेंटल रो जा रही है ऐसे, ये जो हॉरिजेंटली लाइन आपकी जा रही है ये सारी रोज हैं. ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन आएगी आपकी ऐसे ऐसे, ये जो आपकी वर्टिकल लाइन आ रही है ये आपकी कॉलम है. समझ में आ गई होगी बात, या एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा. जो आपकी हॉरिजेंटल रो है, हॉरिजेंटल लाइन है वो रो है, और जो आपकी वर्टिकल लाइन है यानी खड़ी लाइन है वो आपकी कॉलम है. ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं. रो एंड कॉलम की आपने डेफिनेशन देख ली, रो एंड कॉलम को आपने समझ लिया, आगे चलते हैं क्या है देखते हैं. ठीक है, अब हमें जानना है व्हाट इज सेल एंड सेल एड्रेस. सेल क्या होता है और सेल एड्रेस क्या होता है. ठीक है, अब यहाँ पर भी समझने की कोशिश करते हैं कि सेल क्या है. इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम, इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम मेक्स अ सेल. ठीक है, मतलब एक रो और एक कॉलम अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो एक बॉक्स फॉर्म होता है. तो जो वो बॉक्स फॉर्म होता है उसी को हम सेल कहते हैं. ठीक है, एक बार मैं डेफिनेशन फिर से पढ़ती हूँ और समझाती हूँ कि इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम मेक्स अ बॉक्स विच इज कॉल्ड सेल. ठीक है, जो इंटरसेक्शन होगा रो एंड कॉलम का वो क्या होगा, सेल होगा. ओके, आगे देखते हैं सेल एड्रेस क्या है. सेल एड्रेस इज द कम्बिनेशन ऑफ कॉलम हेडिंग एंड रो नंबर. सेल एड्रेस क्या है, इज द कॉम्बिनेशन, यानी किसका किसका कॉम्बिनेशन, यानी यहाँ पर आपका जो कॉम्बिनेशन है वो किसका किसका है, ऑफ कॉलम हेडिंग एंड रो नंबर. कॉलम की हेडिंग का और रो नंबर का. चलिए चलते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे आपका यूज़र इंटरफेस में देखते हैं, ताकि आपको बहुत क्लियरली समझ में आए कि यहाँ पर जो है आपका सेल क्या है. ओके, आइए दिखाते हैं. ये है आपकी रो, ठीक है, ये है आपकी रो, ये रहा आपका कॉलम. ठीक है, ये यहाँ पर ये वाला बॉक्स जो फॉर्म हुआ है, जिसको मैंने कलर कर दिया है, इसी को हम कहते हैं सेल. ठीक है, अब सेल एड्रेस क्या होता है. ठीक है, यहाँ पर आपको ए बी सी डी ऊपर आपको दिख रहा होगा ना, ये रो का नंबर, रो हेडिंग और कॉलम नंबर का जो है कॉम्बिनेशन होता है. तो आपकी मान लीजिए ये आपका क्या है, रो की हेडिंग मान लीजिए ई है, और यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पर पॉइंट करते हैं, तो इसका सेल एड्रेस क्या होगा, ये फिफ्थ है E5, इसका सेल एड्रेस होगा E5. ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम कहीं रखते हैं, पॉइंट करते हैं 18th पे है यहाँ पर, तो फिर I18 इसका सेल एड्रेस हो जाएगा. ठीक है, समझ में आई बात. ओके, चलिए आगे देखते हैं. ठीक है, अभी तक आपने रोज एंड कॉलम्स को समझा, सेल एंड सेल एड्रेस को समझा, अब आगे देखते हैं कि एक्टिव सेल क्या होती है. ओके, चलिए समझने की इसको भी कोशिश करते हैं, समझते हैं साथ में. द एक्टिव सेल इज द सेलेक्टेड सेल इन विच डेटा इज एंटर्ड व्हेन यू बिगिन टाइपिंग, ओनली वन सेल इज एक्टिव एट अ टाइम.
एक बार फिर से पढ़ के समझते हैं वापस से, ठीक है। द एक्टिव सेल इज द सिलेक्टेड सेल। एक्टिव सेल वो होगी जिसको हम सेलेक्ट करेंगे, यानी अभी आपने समझा कि इंटरसेक्शन रो और कॉलम का हो रहा है, तो सेल वो जो बॉक्स मिल रहा है वो सेल जो होता है, वो सेल होती है ना, तो फिर वही जो सेल है अगर उस पर हम क्लिक करते हैं एट अ टाइम तो वही एक्टिव सेल होगी, ठीक है। और इसमें ये भी कह रहा है कि एक टाइम पर केवल एक ही सेल एक्टिव होगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। अब हमें देखना है व्हाट इज फॉर्मूला बार, ठीक है। द फॉर्मूला बार इज द टूल बार एट द टॉप ऑफ द स्प्रेडशीट दैट लेट्स यू एंटर और व्यू इंफॉर्मेशन इन अ सेल। फॉर्मूला बार वो टूल बार होता है जो स्प्रेडशीट के एकदम टॉप पर होता है, जो आपको व्यू करने में हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को इन द सेल। चलिए देख लेते हैं इसको भी, कहाँ पे है आपका फॉर्मूला बार, आइए शो करते हैं आपको। यूज़र इंटरफेस है आपका, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मार्क्ड है, ये जो आपको दिख रहा है ये फॉर्मूला बार है। यहाँ पर जो है आपका जो है आप इंफॉर्मेशन या फॉर्मूला को व्यू कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया आज के उसमें, एक बार क्विक समरी ले लेते हैं, क्या सीखा है हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है यूज़र इंटरफेस देख लिया एक्सेल का, स्प्रेडशीट क्या होती है, स्प्रेडशीट का यूज़ देख लिया, वर्कशीट वर्कबुक क्या होती है, रोज एंड कॉलम क्या है, सेल एंड सेल एड्रेस क्या है, एक्टिव सेल और फॉर्मूला बार क्या है। हमने प्रॉपरली एक एक बात को आपको समझाने की कोशिश की है और आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में भी आई होंगी, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और अगर आपको जो है नोट्स चाहिए तो आप को नंबर एक फ्लैश हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, आप उस पर जो है हमें मैसेज करके केवल 49 रुपीज़ में आप अपनी नोट्स हमसे परचेज कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।